हेलो स्टूडेंट्स और क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, यह पहला आता है संज्ञा नाम। संज्ञा का मतलब होता है, आप हिंदी में पढ़े होंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु जाति के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा में जाति आता है, नाम व्यक्ति आता है। ये जगह, ये जानवर के नाम, चीज के नाम और ये सब कहते हैं। व्यक्ति पर्सन, ठीक। जैसे स्वीटी पहला नाम आया, रोजी, सैंडी, ये सब नाम है। फिर जगह यानी होता है प्लेस, स्थान। ये व्यक्ति, ठीक। स्थान का नाम क्या है, जैसे कोई आगरा है, हैदराबाद, ताजमहल इत्यादि। हाँ, नेक्स्ट जानवर एनिमल्स के नाम, कैट, लॉयन एंड डॉग एक्सेट्रा। चीज, थिंग, कोई भी वस्तु का नाम है। वस्तु का नाम क्या है, जैसे काइट, पतंग, पेन एक्सेट्रा। ठीक, आप नाउन की क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल है नाउन का, रीता इज माय कजन, आई लव दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो रीता ये नाम आ गया, ये क्या हुआ, संज्ञा का उदाहरण। ठीक, दूसरा आई लव दिस फ्लावर्स, फूल। फूल क्या है, किसी वस्तु का नाम। ठीक, तो ये संज्ञा के उदाहरण। नेक्स्ट आता है सर्वनाम, प्रोनाउन। प्रोनाउन्स का मतलब होता है जैसे मैं, हम, तुम इत्यादि का, शब्दों का जो है वो उपयोग होता है। ठीक, तो फर्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स में, मेल और फीमेल, और ये नेचुरल। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है सिंगल। सिंगल मतलब जैसे आई, आई मतलब क्या होता है, मैं, या पर सिंगल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सिंगुलर ऑब्जेक्ट, मी, माई सेल्फ, वी, वी मतलब होता है हम। प्लूरल मतलब हम, यस, अस और ओवर सेल्फ। ठीक, नेचुरल यू, you, yourself, you or yourself. Third आता है he, him, himself, they, them or themselves. फिर she, her, herself, it or itself. Example, they are going to play. They मतलब क्या होता है, वे जो है खेल रही है, वे खेल रही है। ठीक, तो ये इस प्रकार के जो है एग्जांपल्स हैं, इसको कहते हैं सर्वनाम। इसका आता है एडजेक्टिव्स, इसका अर्थ होता है विशेषण। विशेषण मतलब होता है जो किसी व्यक्ति की विशेषता को प्रदर्शित करता है। जैसे राहुल इज अ स्मार्ट बॉय, इसका मतलब ये स्मार्ट, ये क्या हो रहा है, एडजेक्टिव्स है। ठीक है, ये विशेषता को बता रहा है कि वह स्मार्ट लड़का है। सेकंड, दिस ब्लैक कॉफी टेस्ट ग्रेट, ब्लैक कॉफी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा है। ठीक, थर्ड है, हैव यू रिसीव्ड द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द वायरस, प्रिया इज वेरी टॉल, प्रिया बहुत लंबी है। देयर इज अ डैम फीडिंग इन द एम टू हैविंग डेंसिटी, शी लॉस्ट टू फ्यू फ्रेंड्स एंड माय पर्स इज बेटर देन योर्स, यानी तुम्हारे पास ही मेरे पास अच्छा है। माया नोट इज अ रेड रिबन बॉक्स, ये सारे क्या है, जो शब्द है व्यक्ति की क्या करते हैं, विशेषता को बताते हैं। ठीक, फोर आता है वर्ब। वर्ब के बारे में आप काफी जो नॉलेज ले चुके हैं, फिर भी वर्ब है शी इज प्लेइंग इन गार्डन। ठीक, प्लेइंग यानी खेलना, आपको मालूम है वर्ब का अर्थ क्या होता है, खेलना, पढ़ना, खाना, जाना, सोना। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं क्रिया में। ठीक, जो हम करते हैं, वी आर गोइंग आउट फॉर अ पिकनिक, गोइंग क्या है ना, जाने के लिए। ठीक, इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल है, आई एम स्टडिंग फॉर माय एग्जाम्स। फिर है आयशा कूल कुक्स लंच एवरी डे, अब्दुल प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, I always ask a lot of questions. Every day I read my book, Keshav Lives in
नेक्स्ट आता है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, यानी विशेषण तो है विशेषता, साथ ही क्या है क्रिया भी हो रही है, ठीक है, वर्ब भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट आएगा लिसन टू हिम केयरफुली, ठीक, सावधानी से ये काम करना। द बर्ड इज वेरी स्मॉल, वी प्लेड द कार हियर, शी इज क्विकली टू हर मॉम, शी आंसर्ड माय क्वेश्चंस क्लियरली। ओके, तो गर्ल्स आप लोग ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये सारे क्या है एडवर्ब क्रिया विशेषण में आते हैं, ठीक है। सो आपको प्रैक्टिस हमेशा करनी है, ऑल्सो प्रैक्टिस एंड रीडिंग एंड राइटिंग वेरी क्विकली। ओके, थैंक यू।